हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है आपके क्रश की फीलिंग्स। आपके क्रश आपके लिए क्या करंटली फील कर रहे हैं, उनकी करंट इमोशंस क्या हैं, आपको लेके क्या सोच रहे हैं वो, आपको लेके इस कनेक्शन को लेके, एंड क्या आप दोनों एक होगे, क्या वो आपके पास आएंगे। आज हम देखेंगे, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी, जितना रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot313। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको इंस्टाग्राम पे एंड इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। आप लोग मेरे सेकंड चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मेरे इसी चैनल के अबाउट में मिलेगा, ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करूँगी। आपको जिस पर्सन पर भी क्रश है उस पर फोकस रखिए। देखेंगे कि क्या फीलिंग्स हैं उनकी, आपके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं। सो डिवाइन गाइड करें। जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके क्रश की उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। करंटली मेरे व्यूवर्स के क्रश उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं एंड क्या सोच रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास है हाई प्रिस्टेस, देन वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिंगल हैं। द फूल, एक्वेरियस, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। या आप लोग बहुत से लोगों को जो सिंगल हो और सिंगल ही आपका ये जो क्रश है वो भी सिंगल है। या द मून, पाइसिस, करंट फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के क्रश की। देन वी हैव प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देन है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लास्ट वी हैव थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली यहाँ पे यहाँ तो ब्लॉकेजेस हैं। मुझे लगता है आपके इस क्रश से कुछ लोगों की बात हो चुकी हुई है। ये जो पर्सन है, जिस जो भी आपका क्रश है, कुछ लोगों की इसे बात हो चुकी हुई है और कुछ लोग बिल्कुल भी इसे कभी भी या ना दूर दूर से ही आप एक दूसरे को पसंद करते हो या आप उस पर्सन को पसंद करते हो। ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में से है। ये जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, जिस जो पर्सन आपका क्रश है, ये आपका फ्रेंड सर्कल से है, ठीक है। और यहाँ तो ये ब्लॉकेजेस हैं, ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है या किसी और से मैरिड है, वहाँ से निकल के ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। अदरवाइज आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, मुझे ये भी फील हो रहा है, यस। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है देन डेफिनेटली ये पर्सन आना चाहता है, ठीक है। ये भी आपको पसंद करता है, आपका ये जो क्रश है। यहाँ पे अनकन्फेस्ड लव है। कुछ लोगों के क्रश ने उनको कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। दूर दूर वाला ही क्रश है, बट डेफिनेटली गाइज ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। एंड यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, एज गैप है दोनों में, आप दोनों में 3 to 5 years का हो सकता है, 1 year का, 2 year का, बट यहाँ पे है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली गाइस ये पर्सन मैरिड है, यस मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, किसी और से मैरिड है। और मैरिड क्यों है, ये वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। कुछ लोग बाहर नहीं आ सकते मैरिड हैं तो, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ मनी की वजह से उस सिचुएशन में है। पैसा इस पर्सन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड पैसे की वजह से ये पर्सन वहाँ पे अपनी मैरिज से बाहर नहीं आ सकता। अदरवाइज यहाँ पे बहुत से लोग सिंगल हैं, यस, और वो अपने फाइनेंसिस एंड करियर पे काम कर रहे हैं, बट आपको वो पसंद करता है। स्टेबल होना चाहता है सबसे पहले अपनी लाइफ में, कि वो स्टेबल हो तब आपके साथ रीयूनियन में आए या यूनियन करे, ठीक है। कुछ लोगों की इससे बात पहले हो चुकी हुई है और कुछ लोगों की नहीं होती। जिनका तो फ्रेंड है उनकी बात ऑब्वियसली होती है या नहीं होती, पहले होती थी अब नहीं होती, मुझे यहाँ ये सिचुएशन भी नज़र आ रही है। बट फीलिंग्स कुछ लोगों के क्रश ने उनको नहीं बताई और ये पर्सन आपको बताना चाहता है, आपके साथ क्रिएटिव कुछ चीज़ करना चाहता है। हो सकता है आप सेम वर्क प्लेस सेम है आपकी, और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे चलना चाहता है, आपके लिए रिस्क लेना चाहता है। जो यहाँ पे टोटली सिंगल हैं उनके क्रश उनको अप्रोच कर सकते हैं, यस, मुझे नज़र आ रहा है उनका क्रश उनको अप्रोच करेगा। कम्युनिकेशन नहीं होती तो देन डेफिनेटली ये पर्सन कम्युनिकेशन करेगा। डिस्टेंस भी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। डिफरेंट सिटीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट एरियाज़ में रहते हो,
ठीक है, एरियाज भी डिफरेंट हो सकते हैं ना, लाइक काफ़ी दूर से एक दूसरे के घर से आप लोग दूर हो, ये सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। बट डेफिनेटली ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, अपनी जो डीप फीलिंग्स हैं जो इसने कभी आपको नहीं बताई, ये पर्सन वो बताना चाहता है आपको। ओके, और मुझे ये पर्सन आपका फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा मुझे लग रहा है जैसे फ्रेंड है आपका। चलें देखते हैं क्या ये आपसे रिकॉन्सिलिएशन करेगा, बट रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत मूडी है, मूडी पर्सन है ये। कभी इस पर्सन का मूड इतना हाई होता है कि इस पर्सन का दिल चाहता है, इमोशनल जब होता है कि आपको बता दे जो आपके लिए फील करता है, बट नेक्स्ट टाइम ही कुछ सेकंड बाद ही ये पर्सन ऐसे होता है कि आपको नहीं बताना चाहिए आपको, मतलब लाइक इस पर्सन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे, आप क्या सोचोगे इस पर्सन को लेके, कहीं फ्रेंडशिप ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या यूनियन आपका होगा, क्या दोनों आप एक होगे, क्या ये क्रश आपका आपके पास आएगा। ओके, एग्जॉशन, ये पर्सन स्टक है अभी, फेयर है इस पर्सन को, कन्फ्यूजन है इस पर्सन को, कन्फ्यूज है ये पर्सन, डबल हमारे पास कन्फर्मेशन हो गया, फेयर है, यस फेयर इस पर्सन को। आई थिंक गाइस यही है कि आपको ये पर्सन बता देगा तो आपके ऊपर इम्पैक्ट कैसा रहेगा, कहीं आपकी फ्रेंडशिप भी ख़राब ना हो जाए। रिसेप्टिविटी, कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे क्रश जो हैं वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट भी करो। ठीक है, बहुत लव करता है ये आपका क्रश आपसे, रिकॉन्सिलिएशन इसीलिए तो चाहता है आपसे। साइलेंस, इस टाइम आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुनेगा। ये जो क्रश है आपका ये अभी साइलेंट मोड पे है, मून का कार्ड भी है, अगेन मून है, साइलेंस। इस पर्सन के डीप इमोशंस बहुत हैं गाइस, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हुई मोस्टली, के क्रश ने उनको अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताई। सीक्रेट, सीक्रेट लव है, सीक्रेट, अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन चाहता है आपसे, कम्युनिकेशन ये चाहता है गाइस, बट सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपकी तरफ आएगा द मास्टर। सक्सेस चाहता है ये पर्सन, चाहता है आपसे बात करे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शादी की तो अभी मुझे वैसा सीन नज़र नहीं आ रहा, बट आपसे बात करना चाहता है, आपको अपना लव बताना चाहता है कि एक आपसे आपका जो क्रश है ये आपसे क्या कितना प्यार करता है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। ठीक है, और ये चाहता है कि अगर ये आपसे प्यार की बात करता है, आपको अपनी फीलिंग्स बताता है, तो डेफिनेटली आप इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो। ये अभी तक आपको इसीलिए अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा बिकॉज शायद आप उसको वैसा रिस्पॉन्स ना दो जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहा है। रीडिंग बहुत चेंज है आज की, बट इस टाइम इसको फेयर है, फेयर इसी चीज़ का है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ख़राब ना हो रही आपकी फ्रेंडशिप, बची कुची कोई दोस्ती है वो भी ख़राब ना हो रही, आप ब्लॉक कर दोगे, बात नहीं करोगे, शायद आप उसको नहीं पता कि आप भी उसे लव करते हो। ठीक है, सो शादी के चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, अपनी साइलेंस तोड़ेगा फिर बताएगा, बट अभी खामोश है। 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में आपको बता सकता है फीलिंग्स, तब तक आप खामोश रहें। ठीक है, सो गाइज दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी रेजोनेट किया हो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। ओके गाइज, तो मुझे जाते जाते याद आया कि मैं नेम इनिशियल लेटर्स भी देखूंगी, नेम इनिशियल लेटर्स देखूंगी ताकि आपको कन्फर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ओके, सो ओ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक्स, तो कुछ लोगों का ऑब्वियसली ये एक्स हो सकता है, आपका रिलेशनशिप पास्ट में था बट अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लाइक हो सकता है आप रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ रह चुके हो। 52, 25 इस पर्सन की एज हो सकती है, 23, 53, 28, 38, 26, 36, 56, 29, 39, 59, 68, 86 या 30 एज हो सकती है, 20, 50। एक्स है, सी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एम एन जी मतलब जेड पी वाई इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, टी जे एस क्यू एक्स, सो एक्स हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, सो ये आपके पार्टनर्स का कोई भी नेम इनिशियल हो सकता है, उसकी कार का नंबर, उसका हाउस नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज भी मैंने आपको बता दी है, सो इसे आप आइडिया कर सकते हो
जिस पर्सन पे आपको क्रश है उसका कोई भी नेम इनिशियल हो सकता है इसमें से, नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।